बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, फोर्थ चैप्टर है मैयर ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। ठीक है, इसमें हमने जो है सबसे पहला टॉपिक जो है रेंज देखा, सेकंड हमने उसमें क्वार्टर डेविएशन देखा, और बेसिक डेफिनेशन जो मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एब्सोल्यूट रिलेटिव में डिफरेंस, ये आप पिछले पास पेपर जो मैंने आपको सेंड किए उनमें देखें, बार बार रिपीट हुआ है, रेंज की डेफिनेशन भी आई हुई है, तो इस तरह से आपने इन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से कर लेना। अब हम आते हैं, हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन, या फिर इसको एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, मीन और एवरेज एक ही चीज होती है ना, इसलिए इसको हम मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशन कहते हैं। होता क्या है ये, मीन डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज। क्या है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द डेविएशन, एवरेज ऑफ द डेविएशन, यानी कि उन्होंने कहा कि एवरेज लेनी है। एवरेज का मतलब है हमने सम करना है और नीचे एन से डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने सम लिख लिया, यहाँ पे एन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उन्होंने जो बताया डेफिनेशन में, इट इज डिफाइंड एज एवरेज, एवरेज का मतलब होता है सम और एन, नीचे डिवाइजर में लेना है, और ऑफ द डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता है, उनका आपने डिफरेंस लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस भी आ गया, ऑफ द वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब है जो एक्स वैल्यूज है, फ्रॉम एन एवरेज, फ्रॉम एवरेज का मतलब है कि एक्स बार से, मीन से लें या फिर मीडियन से लें, उन्होंने कहा है मीन से लें, मीडियन से लें या फिर मोड, इन तीनों में से ले सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेशन बनी है, जो बेसिकली आपकी फॉर्मूला है उसी को स्प्लिट किया हुआ। क्या है, देखिए सम ऑफ बेसिकली क्या कहा उन्होंने, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है हमने वैल्यूज को सम करना होता है और उसको टोटल पर डिवाइड करना। तो उन्होंने क्या था, सम ऑफ एवरेज ऑफ डेविएशन, ठीक है, डेविएशन का मतलब हमने डिफरेंस लिया, और एब्सोल्यूट लेनी है हमने बेसिकली। तो ठीक है, यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, मीन में से जो है वैल्यूज का डिफरेंस लिया और उसको एब्सोल्यूट करके उसका मीन लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, मीन डेविएशन। द डेविएशन आर टेकन कंसीडरिंग विदाउट कंसीडरिंग द अल्जेब्रिक साइन। अब उन्होंने कहा कि आपने जो अल्जेब्रिक साइन विदाउट कंसीडरिंग अल्जेब्रिक साइन का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है ना, ये बार, इस बार का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू को बीच में क्या कर देना है, जैसे कि -5 है, लेकिन एब्सोल्यूट की वजह से वो वैल्यू क्या कंसीडर होगी, +5, तो इसलिए आपने जो है साइन को इग्नोर करके जस्ट पॉजिटिव साइंस लेना है। द मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन ऑफ एन वैल्यूज x1 x2 so on xn इज डिनोटेड बाय मीन डेविएशन। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कहा, इसको हम डिनोट करते हैं। दोबारा से बता रही हूँ, मीन डेविएशन उन्होंने क्या कहा है, मीन डेविएशन का क्या है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, बेसिकली ये एवरेज ही है, एक तरह से डेविएशन की एवरेज है, और उसको हमने मीन से लेना है। जैसे कि आपको पता ना, आपने ये मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे जो है ना, सिर्फ ब्रैकेट थी, ये जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट बार नहीं था, तो ये हमारे पास वैल्यू आती थी जीरो। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट है इसलिए वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है, एब्सोल्यूट की वजह से। अब हम इसका मजीद देख लेते हैं, फॉर्मूला और कौन कौन से हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर यही आपने डेविएशन मीडियन से कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पे मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो हमारे पास दोनों अनग्रुप डाटा की हो गई। अब ग्रुप डाटा की तरफ आते हैं, ग्रुप डाटा में क्या होगा, जस्ट फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी, एन की जगह पे नीचे डिवाइजर में समीशन एफ आ जाएगा, और ऊपर जो है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना से आपने ये फॉर्मूलाज को याद कर लेना। अब लास्ट पे आता है कि ये तो हमारे पास हो जाएंगे ना, ये मीन डेविएशन के फॉर्मूले। अब उन्होंने एक, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था रेंज और उसका कोफिशिएंट पढ़ा, क्वार्टर डेविएशन पढ़ा उसका कोफिशिएंट पढ़ा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट देखते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें पता है कोफिशिएंट जो भी होता है वो रिलेटिव मेजर होता है, इट्स रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब क्या है, यहाँ पे मीन डेविएशन जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया होगा फ्रॉम मीन, उसको मीन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि मीन डेविएशन हमने कैलकुलेट किया होगा उसको हमने जस्ट डिवाइड करना है एक्स बार से, अगर हमने एक्स बार वाला निकाला है तो ये हमारा बन जाएगा मीन डेविएशन का कोफिशिएंट। अगर हमने मीन डेविएशन मीडियन वाला कैलकुलेट किया तो उसको मीडियन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मीन डेविएशन हमने कैलकुलेट किया उसको लिखेंगे, और डिवाइजर में जो है हम मीडियन से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट फ्रॉम मीडियन, और ये मीन डेविएशन का कोफिशिएंट है फ्रॉम मीन। ठीक है, आपको यहाँ पर उन्होंने इस तरह से लिख दिया ये स्टेटमेंट के फॉर्म में, मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। अभी अभी तो फॉर्मूलाज और डेफिनेशन देखी हमने, इसकी डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, और फॉर्मूलाज तो हर उसके टॉपिक के करने हैं। एग्जाम्पल 4.6 है, फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब उन्होंने खुद मेंशन किया है कि आपने मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन, मीन से निकालना, आपको ना क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि मीन से निकालना है या मीडियन से निकालना है या मोड से निकालना है, अगर मेंशन नहीं करते तो आपने सिर्फ मीन से निकालना है।
अब यहाँ पे जो वो मेंशन करेंगे हमें हम उस चीज के लिए बाउंड हो जाएंगे, अगर नहीं तो सिर्फ मीन। फाइंड मीन डेविएशन करना है फ्रॉम मीन से भी और फ्रॉम मीडियन दोनों से करना है, और द वैल्यूज आपका वैल्यूज अनग्रुप डाटा की है, फाइंड इट्स रिलेटिव डिस्पर्जन, उसका रिलेटिव डिस्पर्जन भी बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने डाटा को अरेंज किया 3, 8, 10, 11, 13, हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 3, 8, 10, 11, 13, इसका सम हमारे पास 45 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डेविएशन ली, एक्स माइनस एक्स बार किया इस तरह से, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार करके हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद इसका हमने एब्सोल्यूट ले लेना है, एब्सोल्यूट के लिए क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये देखो ये नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये एब्सोल्यूट आ रहा है, हमने जस्ट सिंपल ब्रैकेट वाला अकॉर्डिंग लेना है, जैसे आपने वो किया था ना प्रॉपर्टी को प्रूफ मीन की, उसके अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू आप सम करोगे तो ये आपके पास जीरो बन जाएगा सम, लेकिन हमने इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट के बाद इसका सम करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है एन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीडियन के लिए क्या करना होगा, पहले मीडियन कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमारे पास पांच वैल्यूज है तो मीडियन वैल्यू हमारी मीडियन होगी, ठीक है, एन प्लस वन बाई टू वैल्यू करके हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मीडियन का अनग्रुप का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हमारा मीडियन आ जाएगा 10। और अगर फॉर्मूले को छोड़ के भी देखें तो आपको पता है मीडियन वैल्यू होती है, इन दोनों वैल्यू को छोड़ा तो मीडियन वैल्यू ये आ रही है, ऑड का तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल आसान है, मीडियन वैल्यू होती है, इवन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो मीडियन में दो वैल्यूज आ रही है उन दोनों को ऐड किया टू को डिवाइड किया तो उसमें से भी निकाल सकते हैं। अच्छा ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा, इसको हमने ये 10 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, दोबारा से वही एक्स में से मीडियन को माइनस किया, जैसे कि 3 माइनस 10 ये 7 आ जाएगा, 8 माइनस 10 10 माइनस 10 11 माइनस 10 13, इस तरह से हम एक्स में से मीडियन को माइनस करते गए तो हमारे पास ये आ जाएगा बेसिकली जो सिंपल। और यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट वाला निकाली यानी कि नेगेटिव वैल्यू को भी हमने पॉजिटिव कर दिया, इस तरह से हमने इसका भी सम निकाल लिया और इसका भी सम, दोनों के सम आ जाएंगे। अब इसी तरह से हम मीन डेविएशन जो है जो फॉर्मूला हमने लिखा होगा, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना होता है ताकि आपको पता हो कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, इसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जो हमने ऊपर कॉलम से कैलकुलेट की है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है इसी तरह से, इसमें भी हमने वैल्यूज को पुट किया। अब देखो उन्होंने मीन बताया साइड पे अनग्रुप का मीन कैसे निकालना है सॉल्यूशन एक्स वन करके, मीडियन कैसे निकालना है प्लस वन बाई टू वैल्यू करके, इस तरह से हमारे पास 10 वैल्यू आ जाएगी। ये आपको उन्होंने चीजें साथ साथ बताई हैं कि आपने साइड पे ये चीजें भी निकालनी है, फिर इसको यूज करेंगे हम फॉर्मूला में, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इस तरह से हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे 2.8 और ये 2.6 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या है, इट्स रिलेटिव मेजर डिस्पर्जन, अभी हम पीछे ने उन्होंने कहा है जिसमें कि कोफिशिएंट निकालने हैं तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, जो हमने मीन डेविएशन निकाला है ये देखते हैं 2.8, ये जो हमने 2.8 मीन निकाला है मीन डेविएशन ये वाला, इसको डिवाइड कर देंगे इस 9 पे, इसी तरह से ये निकालेंगे इसका कोफिशिएंट तो 2.6 को डिवाइड कर देंगे 10 पे। ठीक है, जो मीन डेविएशन अगर मीन से निकाला तो मीन से डिवाइड, मीडियन से निकाला तो मीडियन से डिवाइड, अगर मोड से कैलकुलेट किया तो मोड से डिवाइड, वो हमारे बन जाएंगे कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट आपको पता है यूनिट लेस होते हैं और ये हमारे रिलेटिव डिस्पर्जन कहलाते हैं, और ये इनमें यूनिट इन्वॉल्व होता है ये हमारे क्या कहलाते हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। एग्जाम्पल 4.7 फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन, अब उन्होंने यहाँ पे दोनों चीजें कह रही है, मीन के लिए भी निकाले मीडियन के लिए भी, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो फाइंड इट्स कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट भी बताना है, और हमें पता फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है क्लासेस बनी हुई है तो ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी। अब ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता है जब आपके पास ग्रुप वाला क्वेश्चन होता है, तो हमने सबसे पहले तो आपको बताया ग्रुप लिखा फ्रीक्वेंसी, और हमें इसमें मीन निकालना है तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा यानी कि मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालेंगे फिर उस मिड पॉइंट को मीन आपने कैलकुलेट करना, तो मीन के लिए आपको क्या करना पड़ता है एफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके थ्रू हमारे पास मीन आ जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स ओवर एफ करके यहाँ से मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद फिर जो मीन 75.47 आया है इसको हर एक्स वैल्यू से जो है डिफरेंस लेते के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एक्स माइनस एक्स बार करते थे, यहाँ पर थोड़ी वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड आ रही है लेकिन करना मेथड वही है, एक्स माइनस एक्स बार करके ये वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कि हमने इसको एब्सोल्यूट लेना होगा, ये नेगेटिव वैल्यूज को भी हमने पॉजिटिव कर दिया एब्सोल्यूट ले लिया, उससे अगला स्टेप क्या होगा कि हमने फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई करनी है इस एब्सोल्यूट के साथ, तो हमारे पास ये नेक्स्ट कॉलम भी आ जाएगा। चीजें मुश्किल नहीं है लेकिन ये कि ज्यादा कॉलम्स है तो बंदा थोड़ा सा हो जाता है कि पता नहीं कितना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है कॉलम्स बस ज्यादा है, उसके बाद हमने वाला कॉलम बना लिया और इसका हमने सम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं मीडियन वाला करना, तो मीडियन के लिए आपको पता है क्लास बाउंड्रीज और कमोडिटी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जरूर चाहिए होते हैं आपको, हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली सेम वही मेथड, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लिया टू पर डिवाइड और यहाँ पे माइनस करते के लोअर से अपर में ऐड करके हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी, और क्लास बाउंड्री को कमोडिटी फ्रीक्वेंसी वही पहली वैल्यू एच डी इसमें नेक्स्ट में ऐड करके कमोडिटी फ्रीक्वेंसी, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा अब मीडियम जब हमारे पास आना तो हमने क्या करना है, अब नीचे फॉर्मूला लिखा होगा उसमें आपने देख लिया कि आपने एन बाई टू किया, एन बाई टू को हमने यहाँ पे चेक करेंगे
जहाँ पे लाई करके, जैसे कि इस वाली रो में लाई कर रहे हैं हमारा एन का टू, क्योंकि एन हमारे पास 36 है ना सॉल्यूशन अब, 36 को 2 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास 18 वैल्यू आएगी, तो 18 यहाँ पे लाई करके इस तरह से हम इस रो को कंसिडर करेंगे, ये इसका एल हो जाएगा, ये इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और इसके अलावा एज हमारे पास 5 का चल रहा है, एज हमारे पास 5 हो जाएगा, और प्रीवियस वैल्यू सी हो जाएगी। इस तरह से आपने सारे जो है ग्रुप डाटा का जैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं, सारे वैल्यू फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट की और फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम निकालेंगे, जो है हमारे पास कॉलम आएगा ये एक्स बार नहीं है, सिंपल एक्स है। एक्स जो वैल्यूज हैं उसका हमने मीडियन से डिफरेंस ले लेंगे, 62 -75.75 ये आ जाएगा, और साथ ही मोड भी ले लेंगे अपने जो है कॉलम्स को कम करने के लिए। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट मोड भी ले सकते हैं, बजाय कि पहले ये निकालें फिर ये, आप डायरेक्ट जो है मोड साथ साथ लेते रहें। हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट मोड, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू, अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू साथ साथ लेते हैं। इसके बाद लास्ट में हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बना लिया और इसका सम कर लिया। ग्रुप डाटा के लिए जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, चीज़ें वही करनी है, आसान नहीं है, बस क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हमने सारे कॉलम्स के सम निकाल लिए, अब हम अपना निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया, ये वैल्यू हमारे पास 174.18 आएगी, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, ये एक्स बार की वैल्यू है और ये उसकी मीन डेविएशन। सिमिलरली हमने मीडियन के लिए भी ऊपर जो कॉलम निकाला था 172.5 उसको डिवाइड किया एन से इतना से, और ये हमने मैंने अभी आपको बताया था एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी करके आपको ये कैलकुलेट करना होगा मीडियन, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा ये 75.75। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, उन्होंने कोफिशिएंट भी मांगे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, पहले हम उसका कोफिशिएंट निकालेंगे मीन वाला, फिर मीन से डिवाइड, आगे हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और उसके मीडियन से डिवाइड, इस तरह से हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन वाला टॉपिक देख लेना कि मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं फॉर्मूलाज, अगर आपको याद हो ना तो आप कर सकते हो कुछ भी, आपने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने देखना है कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं, फिर आप कॉलम बना लेंगे और आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन, आज दो टॉपिक की करेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। हम अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जैसे कि हमने वही है सीन दैट द क्वार्टर डेविएशन एक्सक्लूड हाफ ऑफ द वैल्यूज, अब वो क्या कह रही है, जो क्वार्टर डेविएशन है वो हाफ वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, Q3 - Q, इसका फॉर्मूला याद है ना, Q3 - Q1 डिवाइजर में आ जाता है 2, कह रहे हैं इससे आपके जो है हाफ वैल्यूज एक्सक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट मेथड कोई भी पढ़ रहे होते हो तो प्रीवियस मेथड के वो ड्रॉबैक्स बताता है ना कि इस मेथड में ये गलती थी ये थी, इसी वजह से हम नेक्स्ट मेथड पे आए, तो उसने यहाँ बताया कि वो एक्सक्लूड कर देता है, तो ये इतना अच्छा नहीं है। ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द कंसिडरेशन एंड देयर इज ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक, और वो कहने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इन द कैलकुलस ऑफ मीन डेविएशन टू इग्नोरिंग द अलजेब्रिक। अब वो कह रहे हैं कि मीन डेविएशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो अलजेब्रिक साइन को इग्नोर कर देता है, यानी कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, उसका ड्रॉबैक भी हो गया, यानी कि क्वार्टर डेविएशन का भी वो ड्रॉबैक बता दिया उन्होंने, मीन डेविएशन का भी बता दिया। इट ट्रीट्स ऑल डेविएशन एज पॉजिटिव, वो कह रहे हैं कि सारी वैल्यूज को पॉजिटिव लेते हैं। इन दिस सिचुएशन वी नीड सम मेजर ऑफ वेरिएशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम दीज ड्रॉबैक्स, ठीक है। वो कह रहे हैं हमें ऐसा चाहिए मेजर ऑफ वेरिएशन जिसमें वो 50% डाटा को एक्सक्लूड करते हैं वो भी ना हो, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर रहे हैं ये चीज भी ना हो। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो नाम से शो हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन जो हमारे चैप्टर का नाम है, हमने इसमें डिफरेंस लेना है जो भी करना है, जैसे कि हम क्वार्टर डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन निकाला, सारी डेविएशन है ना। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही देखो स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड मेथड है, उन्होंने क्या कहा, इन दिस सिचुएशन वी नीड सम मेजर वेरिएशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम दिस ड्रॉबैक्स, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन ऑफ व्हिच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ दिस फाइल। अब ये याद रखना ये एब्सोल्यूट होता है क्योंकि इसमें यूनिट इन्वॉल्व होगा, जब हम उसका कोफिशिएंट निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का वो हमारे पास रिलेटिव होगा, अदरवाइज ये हमारे पास एब्सोल्यूट ही होता है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ तक तो ये बेसिकली उन्होंने बता दिया बैकग्राउंड था, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना याद कर लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होगा मीन का और ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, ठीक है। अब जैसे कि हमने मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना सेकंड प्रॉपर्टी, उसी तरह का है ये भी, आपको दिखाती हूँ देखें, ये देखें समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर होगा और नीचे डिवाइजर में आपने बस एन करना होगा, तो क्या है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर, अभी अंडर रूट लेना है इसका, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना, आपने इसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करना, ये पॉजिटिव होगा जस्ट, याद रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें या वेरियंस निकालें, इनकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती,
अच्छा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज अ पोस्टिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। मीन से जो हम डिफरेंस ले रहे होते हैं उसका स्क्वायर किया, फिर उसका एन से डिवाइड किया और बाहर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो है इस तरह से निकालते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन के लिए और सैंपल के लिए एस से। अब ये टॉपिक भी आपने आई थिंक सो इंटर लेवल में देखे हुए होंगे, ये चैप्टर एब्सोल्यूट डेविएशन का भी आपकी बुक में होगा, तो आपने किया होगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फॉर्मूला को आपने याद कर लेना, या फिर आपके मेरे ख्याल में उसमें नहीं था इंटर लेवल में, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चैप्टर जो था डेविएशन वाला, इसको आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा मीन वाले की नस्बत थोड़ा सा टफ है, ये नहीं कि आप इसको ईजी लें, ये उसकी नस्बत थोड़ा सा टफ है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा जो है पॉपुलेशन का, जैसे कि आपको पता है ना हम म्यू जो है म्यू लिखते हैं पॉपुलेशन मीन और एक्स बार लिखते हैं सैंपल मीन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे म्यूटेशन है ना, सिग्मा जो है वो है पॉपुलेशन का वेरियंस का स्टैंडर्ड डेविएशन और एस जो है वो सैंपल की बेस पे होता है। ठीक है, एस क्या है सैंपल डाटा के लिए और सिग्मा जो है वो पॉपुलेशन के लिए होगा। जैसे कि ये देखो ये था पॉपुलेशन के लिए और ये एक्स बार था सैंपल के लिए। ये ग्रीक लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पॉपुलेशन के लिए, और जो लेटर लेटर्स होते हैं जैसे कि ये पॉजिटिव ये कैपिटल होगा ना, एक्स बार हो गया, कैपिटल एस हो गया, ये सारे जो है हमारे होते हैं सैंपल के लिए। अब जब नेक्स्ट चैप्टर से आप जाएंगे रिग्रेशन में, उसमें भी आप देखेंगे कि आपने पॉपुलेशन के लिए अल्फा बीटा किया होगा ग्रीक लेटर, और जो आपने कैलकुलेट करना होगा उसके लिए ए और बी करेंगे सैंपल के लिए, और आमतौर पर हम क्वेश्चन जो करते हैं वो सैंपल के बेस पे होते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे इसको बस देख लेना है, याद आपने ये करना है क्योंकि क्वेश्चन में आपने ये यूज करना है एस। ठीक है, एस इज इक्वल टू समिशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन। अब ये फॉर्मूला हो गया, अगर आप ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको लेट्स सपोज वेरियंस कैलकुलेट करना होता है तो बस इसका स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जो अंडर रूट है ना, ये देखें जैसे कि ये अंडर रूट आप खत्म कर देते हैं। ठीक है, अंडर रूट नहीं रहता और यहाँ पे एस स्केयर आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा वेरियंस। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और जब अंडर रूट खत्म कर दूंगी और यहाँ पे स्केयर लिख दूंगी तो ये बन जाएगा वेरियंस। सिमिलरली ये तो हो गया हमारे पास, जो उन्होंने बाय डेफिनेशन फॉर्मूला बता दिया। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे देखें, जैसे कि हम मीन के केस में भी डिफरेंट फार्मूलाज पढ़ते रहे हैं तो यहाँ पे भी ऐसे डिफरेंट फार्मूलाज हैं। सेकंड हमारे पास फार्मूला है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या है, मिशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मिशन एक्स, इसको हम शॉर्टकट भी कहते हैं क्योंकि इसमें देखें हमारे पास इस तरह से वैल्यूज गिवन है कि आपने देखो यहाँ पे तो आपको डेविएशन करनी पड़ेगी उसका स्क्वायर और इस तरह से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या करना है, इस वक्त जब ये आप निकालेंगे ना स्टैंडर्ड डेविएशन, एक आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, एक एक्स स्क्वायर का निकालना पड़ेगा कॉलम, बस दो कॉलम्स बनेंगे। यहाँ के लिए आपको पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार का निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स डेविएशन की वजह से ज्यादा हो जाएंगे। ये शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड में हमें कम बनाने पड़ते हैं कॉलम्स। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में हमें पता है डी वाला यूज होता है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब डेविएशन मेथड को हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, लंबी लंबी वैल्यूज होती हैं हमारी वो जो है एक्स माइनस ए करके वैल्यूज हमारी शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा डेविएशन वाला मेथड, क्या है सेम वही फॉर्मूला, मिशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस मिशन डी ओवर एन का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला जो एक्स लिखा एक्स के साथ है ना वही है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा डी की यूज करना। नेक्स्ट कोडिंग वाला मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड है, उसमें क्या होगा मिशन यूज के जहाँ पे भी डी था या एक्स था उसको बस यूज कर दिया और बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई पर ए आ जाएगा, ये इसमें इजाफा हुआ है, बाकी जो है इन तीनों फॉर्मूला ये गिवन सेम है। ये जो डायरेक्ट मेथड है वो एक्स के लिए होता है, डेविएशन वाले में डी होगा, कोडिंग या स्टेप डेविएशन में हमारे पास यू यूज करते हैं, यू जहाँ पे यूज करते हैं साथ हमारे एच जरूर आता है, एच मल्टीप्लाई जरूर होता है। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट थे, इट इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नोन एज कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब उन्होंने कहा कि उसका हमें जब रिलेटिव निकालना पड़ेगा तो उसका मेथड क्या है, इसका रिलेटिव का हमारे पास फॉर्मूला एस ओवर एक्स बार होगा। जैसे कि हमने पीछे भी देखा था मीन डेविएशन डिवाइजर में मीन आ गया, मीन डेविएशन डिवाइजर में मीडियन आ गया, इसी तरह से यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइजर में मीन आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला है, ये तो हमारे पास कहलाता है कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास कहलाता है एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो हम वेरियंस के बारे में करेंगे तब होगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम है। इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम्पल नंबर 4.8 है, इसको देखते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज, हमारे पास वैल्यूज अनग्रुप डाटा की है बाय डायरेक्ट एज वेल एज शॉर्टकट मेथड, ऑल्सो फाइंड इट्स रिलेटिव डिस्पर्शन। ठीक है, इसका रिलेटिव डिस्पर्शन फाइंड करना और इसका डायरेक्ट ये मेथड निकालना। अब शॉर्टकट इन्होंने यहाँ पे डी वाला मेथड कह दिया, हालांकि मैंने आपको बात की जो आप डायरेक्ट मेथड मिशन एक्स स्क्वायर ओवर एन करके कर देते हो उसको भी आप कह सकते हो। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमने वैल्यूज को लिख लिया यहाँ पे अरेंज करके छोटी से बड़ी वैल्यूज।
है आप चाहे तो ऐसे लिखें, नहीं भी चाहते तो आप जैसे लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। इतना करने से आसानी हो जाती है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब तो पता चल जाता है कि सारे क्या क्या वैल्यूज आने। हमने एक्स को लिख लिया अरेंज करके, इसके बाद आता है एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार निकाला, एक्स बार क्या होगा सॉल्यूशन एक्स ओवर एन, एन कितने हैं हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, तो 84 डिवाइडेड बाय 6 क्या हमारे पास एक्स बार आ जाएगा 14। हर एक्स वैल्यू में से एक्स बार यानी कि 14 को माइनस करते गए तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। तो कॉलम नेक्स्ट हमें स्केयर, क्योंकि हमने स्टैंड डिवीजन या वेरियंस के लिए हमें स्केयर करना पड़ता है, हमने वो स्केयर कर लिया 9 का स्केयर, 4 का स्केयर, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, ये करके हमारे पास स्केयर फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपने डायरेक्ट ये तो हो गया ना ये वाला मेथड, उसके बाद उन्होंने दूसरा मेथड भी कहा तो हमने यहाँ पे एक्स स्केयर भी निकाल दिया। मैंने आपको कहा था ना इसके लिए आपको एक्स और एक्स स्केयर दो कॉलम निकालने पड़ते हैं उस मेथड के लिए, यहाँ पर डेविएशन वाले में ज्यादा करने पड़ते हैं। थर्ड में उन्होंने कह दिया कि डेविएशन वाला मेथड भी करना है एक्स माइनस ए। अब ए कोई भी, ये याद रखना मैंने आपको मीन के केस में बताया था जब आपने ए कैसे लेना है, क्वेश्चन में मेंशन है तो वेल एंड गुड, अगर मेंशन नहीं है तो मिडिल वैल्यू लेते हैं ठीक है। अब मिडिल वैल्यू हमारी ये दो वैल्यूज आ गई हैं 13 और 16, आप चाहे 13 से कर लें चाहे 16 से कर लें आंसर आपका सेम आएगा ठीक है। अगर हम ये क्लास में कर रहे होते तो मैं आपको 16 के साथ करके दिखाती हूँ, यहाँ पे खुद से करना है तो इसको हम 13 के साथ करते हैं ठीक है, जो उन्होंने मेंशन किया आप इसको खुद से करके देख लें, 16 के साथ भी आपका यही आंसर आएगा ठीक है। इस तरह से हमने किया कि हमारे पास आ जाएगा ठीक है, ये हमारे पास डी इजिकल टू एक्स माइनस 13 करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसका भी हमने स्केयर लेना, हमें पता है ना कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था सॉल्यूशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सॉल्यूशन एक्स ओवर एन का होल स्केयर, या फिर सॉल्यूशन डी स्केयर ओवर एन माइनस सॉल्यूशन डी ओवर एन होल स्केयर, जो हमने फॉर्मूला पढ़े थे उनका हम यूज करेंगे। यहाँ पे तो हमने कॉलम्स निकाल लिए, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना होता है, पहले आपने फॉर्मूला लिखने होते हैं, ये डायरेक्ट मेथड आ गया, ये एस वाला मेथड, ये स्केयर की फॉर्म वाला मेथड आ गया, ये शॉर्टकट डेविएशन मेथड आ गया, उन्होंने यहाँ पहले आपने फॉर्मूला लिखने होते हैं, उसके बाद आपने देखना होता है कि क्या क्या कॉलम्स रिक्वायर है। अब हम इसके अकॉर्डिंग हमने एक्स बार निकाल लिया था वो 14 आ गया था, यहाँ पे जो वैल्यूज का सम निकाला वन ये 812 नहीं है 182 है, इतना से हमने किया तो ये आ जाएगा 5.51। नेक्स्ट आ जाएगा दूसरा वाला मेथड सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे निकाला सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर का सम ये आ जाएगा, और ये एक्स का सम, ए का सम पुट किया डिवाइजर में एन और एक्स का सम और उसके बाद डिवाइजर में एन उसका होल स्केयर, और ये साथ ही उसको कैलकुलेट किया तो ये भी 5.51 ये भी 5.51। आप जिस मर्जी मेथड से कर लें रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। तीसरे वाला मेथड डेविएशन मेथड से भी उन्होंने करके बता दिया तो उन्होंने देखा रिजल्ट सेम था। यहाँ तक तो हमारे तीनों मेथड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो क्या होगा एस ओवर एक्स बार, एस ओवर एक्स बार किया हमारे पास तो 0.394 हमारे पास रिजल्ट आ गया। अभी आज जो है हम अनुरूप तक रखते हैं, नेक्स्ट जो है हम उसमें क्लास में नेक्स्ट देख लेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको एक्सरसाइज से मार्क करवा दूँ, ये क्वेश्चन हम देखते होंगे तो मेरे हाल में हमारी क्लास एंड हो गई। 4.7 है प्राइम क्वालिटी डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वालिटी डेविएशन, ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, इसका मैंने आपको बता दिया था उस दिन कि आपने मिड पॉइंट्स को क्लास बाउंड्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्स प्लस माइनस एच बाई टू करके आपने यहाँ पे क्लास बाउंड्री की मल्टीप्लिकेशन बना ली थी, वन का फॉर्मूला निकाल लिया था, और यहाँ से एन बाई फोर, इस तरह से एन जी के लिए भी आपने 3n/4 करके यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वालिटी डिवीजन का फॉर्मूला Q3 - Q1/2 होता है, और कोफिशिएंट के लिए हमें मैंने बताया था ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, बाकी वैल्यूज इसी तरह से लिखी होती है Q3 - Q1, Q3 + Q1, ये हमने कर दिया, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.8 है, तो यहाँ से हमारे पास आज जो हमने पढ़ा उसको स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन, शो दैट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लीस्ट, ये चीज ये देखिए यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो है आपने मतलब इंटर लेवल में देखे तो ये चीज मेंशन होती है कि आप मीडियन से जो कैलकुलेट करते हो मीन डेविएशन वो छोटा होता है, जो मीन की डिस्टेंस मीन का निकालते हो वो बड़ा होता है ठीक है। उन्होंने यहाँ पे ये बता दिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लीस्ट, ये आपने शो भी करना है। अब ये हमारा जो रिजल्ट आएगा हम उसको बाद में शो भी कर देंगे। अच्छा यहाँ पे एक्स वैल्यूज है, एक्स वैल्यूज वन ग्रुप डाटा की हमने वो लिख ली, एक्स माइनस एक्स बार किया और एक्स माइनस एक्स बार जो है डेविएशन ली, इसी तरह से एक्स माइनस मीडियन किया ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ गया ठीक है। ये आपने खुद करना है, आपको पता होगा कैसे करना है, जैसे कि ये है इसको हमने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दिया, एक्स माइनस मीडियन को हम डायरेक्ट ले लिया, ये भी एब्सोल्यूट वाला और ये एब्सोल्यूट दोनों के हमने सम निकाल लिए ठीक है। मीन निकालना आता है ना अनुरूप का, कैसे करना है सॉल्यूशन एक्स ओवर एन करके, मीडियन कैसे निकालना है मिडिल वैल्यू ले लेनी है, n+1/2 जो है n+1/2 वैल्यू करके निकालना है ठीक है। इस तरह से आपने मीडियन निकालना है, इस तरह से आपने मीन का फॉर्मूला अनुरूप का यूज करके ये वाला सम का कॉलम और ये वाला कॉलम निकाल दिया। इसके
सम आ गया हमारे पास 84.44, इसका आ गया 84। ठीक है, यहाँ से ये सम हो गया, हमें पता, देखिए यही सम बड़ा है, ये सम छोटा है। अच्छा, ये नेक्स्ट लिखते हैं हम एक्स बार, जो हमने मैंने भी बताया था कैसे निकालना है, वो लिख लिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, ये हमारे पास 84.44 था, डिवाइड जो हमने किया 9 से 9.3 हटा देगा। मीन हमने देखा, मैंने आपको बताया था एन प्लस वन बाई टू, इस वैल्यू करके निकालना है, वो आ जाएगा नेक्स्ट मीशन एक्स माइनस मीडियन ओवर एन करके हमारे पास 9.33 वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, ये 9.33 है और ये 9.38 है। तो हमने यही प्रूव करना है कि मीन डेविएशन जो आप मीडियन से करते हो वो लीस्ट है, तो हमारे पास ये देखिए वैल्यू छोटी आई है। तो हेंस प्रूव मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लीस्ट, मीन वाले की निस्बत मीडियन से जो निकालते हैं वो क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.4.9, फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन एंड आल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। देखो जैसे आपकी एग्जांपल्स गिवन है ना, वैसे सेम आपके क्वेश्चंस भी गिवन, आपने इसी तरह से बिल्कुल सेम जैसे एग्जांपल किया था, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी की, हमने मीन मीन निकालना है ग्रुप डाटा का, तो पहले मिड पॉइंट निकाला, एफएक्स किया, यहाँ से हमारे पास मीन का आ जाएगा सम, ये जो हमने एफएक्स यूज करना है मीन में यूज कर लेंगे। नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स बार किया, और यहाँ साथ ही एब्सोल्यूट कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं ताकि एक कॉलम की जगह बचे, तो जैसे हमें एक और कॉलम निकालना पड़े। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद जो है क्लास बाउंड्री जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है मीडियम के लिए, मैंने आपको बताया था ग्रुप डाटा का, और सेम वही प्रोसीजर जो जैसे कि हमारे यहाँ 50 है, 50 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा 25 आ जाएगा, तो 39 वाली रो को कंसिडर करना है। इसके अंदर हमारा फ्रीक्वेंसी एफ भी लाई करेगा, एल भी लाई करेगा, और इससे प्रीवियस वैल्यू सी हो जाएगी। ठीक है, ये सी हो जाएगी, ये एल हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और यहाँ से हमने देखा 5 5 का डिफरेंस है, तो एच हमारा 5 हो गया। ये सारी चीजें निकाल के मीडियन कैलकुलेट कर लिया ग्रुप डाटा का। इसके बाद एक्स माइनस मीडियन करते गए, एब्सोल्यूट भी साथ लेते गए। ठीक है, जो एक्स वैल्यूज हैं उसमें से आप मीडियन माइनस करते गए, फिर हमारे पास आ जाएगा मीडियन का कॉलम। इसके बाद जो है मीडियन वाला जो कॉलम आया, इसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे करते रहे, वहाँ पे यहाँ भी ऐसे सेम स्टेप्स हैं, और यही हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना होता है, और फॉर्मूले के बाद आपने रिक्वायर्ड चीजों को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये सारे सम्स हैं, कॉलम्स। अब आते हैं, देखो सबसे पहले मीन निकाला, उसका फॉर्मूला 29 आया था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ ही कोएफिशिएंट भी उन्होंने निकाल के बता दिया, 0.197 आ जाएगा। बाद में उन्होंने मीडियन बताया, मीडियन को भी एन प्लस वन बटू 25 वैल्यू को देखा, और ये सारी वैल्यू उसके बाद कंसिडर कर ली, और इसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लिया जो। ठीक है, नेक्स्ट कोएफिशिएंट उसका निकाला तो ये सेम 0.19। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर वैसे ही है मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड इट्स रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्वायर। अब आपने मीन डेविएशन निकालना है मीडियन से, मीन वाला नहीं निकालना, उन्होंने मेंशन नहीं किया तो हमें वो नहीं करना, बस एक वाला ही निकालना है, एक मीडियन के लिए निकालना है। एंड इट्स रिलेटिव का मतलब उसके कोफिशिएंट भी निकालना है, याद रखना, बार बार बता दूँ, जहाँ पे भी रिलेटिव वर्ड यूज होगा इसका मतलब उसका कोफिशिएंट भी निकालना है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास ये मिड पॉइंट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास बाउंड्री हमने कैसे बनानी है, मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले भी बताया था, जब आपके पास मिड पॉइंट गिवन हो, एक्स प्लस माइनस एच बाई टू, प्लस माइनस एच बाई टू करना है। अब ए यहाँ पे एच क्या है, 1 1 का डिफरेंस चल रहा है, 1 1 का 0.5, एक्स प्लस माइनस 0.5 किया, और यहाँ से हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, इससे हमने सॉरी मिड पॉइंट नहीं, क्लास बाउंड्री आ जाएगी, 55 में से माइनस किया 0.5 तो ये आ जाएगा, 55 में ऐड किया तो ये आ जाएगा, 56 में से ये माइनस किया तो ये आ जाएगा, ऐड किया तो इस तरह से हमने क्लास बाउंड्री बना ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, एक्स माइनस मीडियन का कॉलम कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सारे कॉलम्स आपने निकालने हैं खुद के, देखो यहाँ पे देखने में तो आसान लग रहे हैं, जब इनको आप करोगे तो कैलकुलेशंस काफी क्लियर होंगे। इस तरह से हमारे सारे रिक्वायर्ड कॉलम्स आ जाएंगे, इनके सम फाइंड कर लिए, ये मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन हम दिखा देख लिए कैसे निकलना है उसका, मीडियन की वैल्यू 56.7 आ जाएगी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमारे पास 1.01 आ जाएगा, उसके बाद उसका कोफिशिएंट निकालना है तो मीन डेविएशन, और उसके बाद उसको मीडियन से डिवाइड कर दिया तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी मुझे लगता है मीन डेविएशन का क्वेश्चन नहीं है, कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन। अब ये क्या हमारे पास अनग्रुप डाटा है, तो डिस्क्रीट डाटा है, डिस्क्रीट एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब डिस्क्रीट डाटा में हम मीन के लिए एफ एक्स कर लेंगे, ये तो हम निकाल देंगे, लेकिन हमें पता है कि इसका मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कि हमने एन प्लस वन जो हमारा अनग्रुप का फॉर्मूला होता है वो यूज करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये तो हमारा मीन के लिए आ जाएगा, एस एक्स माइनस एक्स बार किया, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक हमारा मीन डेविएशन तो हमने मीन के लिए कर लेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, और एन प्लस वन बाय वो जो हम करते हैं मीडियन के लिए, उसमें से करके हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा, जैसे कि 55 है, 55 1 ऐड किया, उसको 2 पे डिवाइड किया, जो भी वैल्यू आती है उसके बाद
सामने जो वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगी, और उसके बाद एक्स माइनस मीडियन किया और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम को। इसमें से सारे रिक्वायर्ड कॉलम्स का सम निकल आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मूलाज को, एक्स बार का और ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, और ये मीडियन एन प्लस वन जो मैंने आपको बताया 28 वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी और उसका मीडियन आ जाएगा। इसके बाद मैंने कोफिशिएंट भी पूछे हुए हैं इसके, नहीं पूछे होंगे मेरे हाल में हाँ कोफिशिएंट्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.12 स्टैंडर्ड डेविएशन की हमने किया, तो इसको भी यहाँ से थोड़ा सा देख लें। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन एंड फ्रॉम पीएम, ठीक। अब इसमें क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि आपने जो अरिथमेटिक मीन के थ्रू करना है इनके सवाल के लिए भी करना है और डेविएशन वाले मेथड के लिए भी करना है। हमने क्या किया, जो सबसे पहले एक्स वैल्यू से इनका सम किया, इन सारी वैल्यूज का सम किया तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करके एक्स बार निकाल लिया, जो कि हमारी रिजल्ट आ रहा है 32.2। हर एक्स वैल्यू से एक्स बार को माइनस करते गए और उसके बाद उसका स्केयर कर लिया। मैंने आपको कहा था मीन इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने स्केयर करना होगा, वेरियंस निकाले स्टैंडर्ड डेविएशन आपने हर वैल्यू को स्केयर करते हुए। इसके बाद डेविएशन वाले मेथड के लिए आपको पता है मिडिल वैल्यू को भी ले लेनी होती है, जैसे कि हमारी ये दो मिडिल वैल्यू बन रही है, 34 लें 23 लें आपकी अपनी मर्जी है, 34 के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन किया तो हमने 34 के अकॉर्डिंग ये कर लिया, ये आधे का उसका स्केयर निकाल लिया, ठीक है। ये भी हमने एग्जाम्पल में देखे हैं, डी निकाला तो डी स्केयर, ये निकालना है तो उसका स्केयर, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे सम्स आपको समझ आ गए होंगे हो। अब ये जो है फॉर्मूला लिखा एक्स बार, तो ये इसमें से निकला और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, इसमें जो है ये 7.6 बना देगा। फिर अज्यूम वैल्यू वाला, अज्यूम मीन यानी कि इसमें से निकाल लिया हमने डी वाली वैल्यू का, अज्यूम मीन बेसिकली मैंने आपको कहा था ना मिडिल वैल्यू लेनी है, चाहे आप पहली वाला मिडिल ले लें या सेकंड वाला मिडिल ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। इसमें से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन फिर कैलकुलेट करना है और आल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट, ये भी अनग्रुप का तो ये भी आपने कर लेना है। हमारे पास यहाँ पे एक्स वैल्यूज है उसका एक्स स्क्वायर का कॉलम निकाल लेंगे। यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा मेथड करना है, तो हम जो सिंपल मेथड है वो करना है, आपने बेसिकली ज्यादातर इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स जो होगा और उसका एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एक्स बार निकाला और एस समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, इसका से करके आपके पास ये आगे का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये उसका वेरियंस और उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में मैंने कहा था अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालते हो तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा कोफिशिएंट बन जाता है वेरिएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन वाले में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडर में, ठीक है। और ये वेरिएशन वाला है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देंगे, ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी 56.79 और वो पॉइंट्स में 0.567। यहाँ तक हमारा जो अनग्रुप का हमने केसेस किए थे, ग्रुप डाटा तो हमने किया नहीं था, तो हमारे यहाँ पे 4.13 तक सारे जो है कंप्लीट हो गए। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, जल्दी से पूछें।